तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल। हम होम मेनू बार से शुरू कर रहे हैं क्योंकि एडवांस एक्सेल का जो फीचर है हम शुरू कर रहे हैं होम मेनू बार से। और होम मेनू बार के अंदर जो है हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड मतलब कि फॉर्मूले की एक छोटी सी डेटा ली है क्योंकि छोटी सी डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी पता चलेगा। तो अब कॉपी पेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ आप उसको कॉपी करके कहीं भी इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं, जैसा है सेम टू सेम टू आएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कि मैंने जो कॉपी किया है उसमें से सारा का सारा नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को यहां पे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर फॉर्मूला भी है, तो मुझे इसकी फॉर्मूला चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए फॉर्मूला चाहिए, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जिस एरिया में जाना है, जहाँ भी जाना है, सेम सीट पे, अनदर सीट पे, किसी और जगह पे भी, हम वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मूला सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब फॉर्मूला से कुछ लोग कहते हैं कि सर नेम में तो फॉर्मूला नहीं, फिर फॉर्मूला क्यों दिया। तो फॉर्मूला का मतलब है, फॉर्मूला का मतलब जो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर दिख रहा है उसको, ठीक है, जो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर दिख रहा है उसको। ओके, जैसे कि यहाँ पे नेम दिख रहा है तो नेम, और यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला। लेकिन जब इसी को हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू, जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तब क्या होता है, पेस्ट जब वैल्यू करते हैं तो फॉर्मूला निकल जाएगा, फॉर्मूला हट जाता है। लेकिन मुझे क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव करना, हमें फॉर्मूला रिमूव करके कहीं और पेस्ट नहीं करना, जहाँ लोकेशन है वहीं पे अपना फॉर्मूला रिमूव कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू। तो क्या होगा, उसी के ऊपर उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देगा, उसी के ऊपर उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देगा। ओके, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज बहुत सारे केसेस में होता है, इसके लिए एक छोटा सा रिपोर्ट मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है। एक रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है ना, अभी जो रिपोर्ट है एक कनेक्टेड है हमारे डेटा शीट से। अगर मुझे किसी को सिर्फ रिपोर्ट भेजना है, बाकी डेटा नहीं भेजना, तब क्या करेंगे, हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट कॉपी, और क्रिएट कॉपी में हम यहाँ न्यू बुक पे आते हैं एंड ओके करते हैं। इससे क्या होता है कि जो फाइल है हमारा वो कॉपी होके एक नई सीट पे चला आता। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें रो कॉलम का हेडिंग नहीं है, तो फाइल में सेटिंग में जाके एडवांस के अंदर या पेज लेआउट में भी आपको यहाँ से हेडिंग्स व्यू कर लेंगे। अब मुझे क्या है कि अभी भी जो मेरा डेटा है उसी पर्टिकुलर फाइल से कनेक्टेड है, अभी मेरे सिस्टम पे परफॉर्म कर रहा है बट आपके सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि आपके सिस्टम में फाइल उसको नहीं मिलेगी। तो उस केस में मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रिमूव करना, लेकिन क्या है कि फॉर्मूले अलग अलग मैंने हर जगह नहीं लगे, यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, फिर यहाँ नहीं लगा है, फिर यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो क्या करें।
तो हम क्या करेंगे कि वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू। तो क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है सर। yeah. ये फॉर्मूला यहाँ से रिमूव, अब इसको भेज सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने ऑफिस के अंदर। इसको नो करते हैं, हाँ इसको भी सेव करते हैं। तो पेस्ट करते समय इसी का यूज होता है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट एज ए फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है। कमेंट, अगर आप इसके ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कमेंट्स यूज करते हैं, न्यू कमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं हाँ, सेट कर दिया। अभी कमेंट कब दिखेगा, जब कर्सर जाएगा। मुझे कहीं पर सिर्फ इसका कमेंट ही पेस्ट करना है तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम कर देंगे कमेंट्स एंड नोट्स एंड ओके। तो सिर्फ वही पेस्ट होगा, बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं होगी। ओके ठीक है। yeah. अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि इसका ए पेस्ट करना, बट बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, जो लाइनिंग है वो पेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑल स्पेक्ट बॉर्डर कर सकते हैं। Okay. कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉलम्स का विड्थ पेस्ट नहीं होता, क्या होता है जब, मान लीजिए क्या होता है कि हमने कॉलम को अपने हिसाब से सेट कर लिया। अभी आपने डैशबोर्ड देखा था, उस पर भी हमने कॉलम को अपने हिसाब से सेट किया था। अब इसको कॉपी करके अगर मान लीजिए मैंने इसको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू या नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसकी कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं है। कॉलम की विड्थ पेस्ट करने के लिए आपको कॉलम पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सेलेक्ट करना होगा। पेस्ट स्पेशल में जब कॉलम विड्थ सेलेक्ट करके ओके करेंगे तभी जाके आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट आ जाएगा, अदरवाइज कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होगा। ओके ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में आप कॉलम विड्थ लेते हैं तो आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट होता है, डेटा नहीं, डेटा वापस नॉर्मल पेस्ट करना पड़ेगा। या फिर आप लेटेस्ट विंडो, लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आइकन दिखेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें आपका डेटा भी पेस्ट होगा, कॉलम की विड्थ भी पेस्ट होगा। अब जब आपके डेटा में जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेट भी होता है यहाँ, लेकिन जब डेट को जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, तो इस तरह के नंबर में आ जाता है। तो पता है नंबर क्या होता है? हेलो, नहीं वो ये नंबर होता क्या है, डेट का वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या है नंबर, इसे क्या है? समझ में क्या आ रहा है इसे? नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं पता सर? नहीं ये जो होता है नंबर ऑफ डेज होता है, तो जब आप डेट को लिखते हैं, जैसे कि अगर आपने वन लिखा, इट मीन्स वन डे, वन डे इट मीन्स 1st Jan 1900, इसके ऊपर अगर आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1st Jan 1900, ठीक है। इस पर अगर मैं 32 डालूं तो ये देखिए 5 हो गया, 367 डालूं तो ईयर चेंज हो गया, ऐसे 44378 करूँ तो ये आपका डेट आ जाता है। तो जो भी डेट डालते हैं, जैसे मान लीजिए आज का ही डेट मैंने डाला, तो ये क्या करेगा, जैसे एंटर प्रेस करूंगा ये कैलकुलेट करेगा कि नंबर ऑफ डेज कितना हुआ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। कंप्यूटर कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है? 1st Jan 1900 से। कैन यू रिपीट सर? कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 1st Jan 1900।
1 जनवरी 1900 से स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 1900 से जो डेट एंटर डाली गई है उसमें नंबर ऑफ डेज कितना है वो स्टोर कर लेता है, लेकिन सो डेट होता है क्योंकि इस पे डेट का फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पे डेट का फॉर्मेट ना डाल के जनरल फॉर्मेट डाल दें तो आपको उसका नंबर दिख जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डेज है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों, प्रोग्रामर ने ऐसा किया क्यों। देखिए प्रोग्रामर को ऐसा करने के पीछे रीजन था क्योंकि एक्सेल में किसी भी नंबर के साथ टैक्स को लिखने के बाद उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता था, बट आपके डेट में टैक्स है फिर भी इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन जो हो रहा है ये एक्चुअली नंबर पे हो रहा है, क्योंकि जब भी फॉर्मूला अप्लाई होती है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे होती है न कि विजुअल पे, समझे। और रिजल्ट भी आपका दे रहा है लेकिन डेट का फॉर्मेट उसको डेट के फॉर्मेट में शो कर रहा है। तो सेम उसी तरह से जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसको रिमूव कर देता है। लेकिन आपको नंबर फॉर्मेट्स की डेट की फॉर्मेट, डॉलर की फॉर्मेट, टाइम की फॉर्मेट, ऐसी फॉर्मेट को वापस रखना है, रखना ही है आपको। तो आप जो है पेश करते समय वैल्यू के जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। क्लियर है, डाउट सर इसमें? यस, नहीं नहीं ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि जैसे कि 20 है यहाँ पे 30 है। अब मैंने 20 को कॉपी किया और 30 पे पेस्ट कर दिया तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन जब आप पेस्ट स्पेशल करोगे तो पेस्ट स्पेशल में एक होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में अगर मैंने ऐड क्लिक कर दिया तो 30 और 20 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे ऐड के जगह पे आप मल्टीप्लाई, सब डिवाइड, सब ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? तो इसकी बेनिफिट के लिए मैं आपको बता, उससे पहले आपको यहाँ पे मुझे परसेंटेज का समझाना होगा कि एक्सेल में अगर परसेंटेज लिखते हैं तो 20% का सैंबल लेना होगा, तो परसेंटेज रीड कर लेता है। राइट, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको पहले 20 लिख देना है फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सैंबल देंगे तो क्या होगा, 2000%, मतलब कि एक्सेल में 1 = 100। तो मुझे अगर बाद में परसेंटेज सैंबल लगाना है तो मुझे 0.20 डेसिमल में लिख के देन परसेंटेज सैंबल देना। तो हमारे कलीग थे ये परसेंटेज का हेडिंग देते थे और मुझे यहाँ पे डेटा भेजते, और मुझे इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और डेटा अलग अलग फॉर्मूले से भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते थे कि 100 को लिखते थे एक सेल में, 100 को कॉपी करते थे और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए, हम डिवाइड कर देते थे। हर नंबर को 100 से डिवाइड करते थे तो वो हमारा रिजल्ट डेसिमल में आता था, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि कुछ लिस्ट ऑफ डेटा है हमारे पास, और यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्ट के नेम है,
यहाँ भी प्रोडक्ट के नहीं है। ये हमारा सेल्स है, ये हमारा टारगेट है। ये नंबर आप लिस्ट पे डेटा वैलिडेशन में लिखा है क्या, क्योंकि वो अपने आप आ रहे हैं ना? नहीं, मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। हाँ, रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि जो स्टार्टिंग नंबर, जो एंडिंग नंबर आप देंगे, इस बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर दे देता है। ओके। और हर बार चेंज भी होता है, देखिए तो ये नंबर भी यूज करते हैं। इसको लेकर ड्रैग करेंगे तो हर किसी में अलग नंबर रहेगा। ओके। अब मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स है, यहाँ पे टारगेट है, तो हर किसी का अलग अलग सेल्स है, हर किसी का अलग अलग टारगेट है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कि जो हमारा सेल्स है, यहाँ पे फिगर में मुझे यहाँ फिगर में सेल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए सेल्स इसमें डेसिमल में, सॉरी परसेंटेज में, कि भाई कितना परसेंट इसने अपना टारगेट अचीव किया, मतलब कि हर नंबर को उसके टारगेट वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो उस केस में मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे कर दिया डिवाइड। तो वन बाय वन हर नंबर को वो डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है, और डेसिमल परसेंट पूरा दिन हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला हुआ तो फिर भी वो फॉर्मूला को ब्रैकेट में लेके डिवाइड कर देगा। क्लियर सर? क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और मुझे इस नंबर्स को क्यूसी को देना है चेक करने के लिए। क्यूसी में जो क्रॉस चेक करने वाला ने क्या किया, उसको चेक करके कुछ एरर्स निकाल दिए। अब मुझे इस एरर्स को अपडेट करना है। तो अब मुझे ऐसे मतलब हजारों डेटा है, तो आपको यहाँ से एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा क्या? yeah. तो इससे अच्छा है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी कर, सिलेक्ट करके कॉपी करें। अब बोलेंगे उसने कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लैंक पेस्ट हो गया। तो क्या है कि मुझे ब्लैंक वाले को, जिसके सामने ब्लैंक है वो करेक्ट वैल्यू है, उसको जैसा है वैसा सेम रखना है। ओके। तो हम पेस्ट स्पेशल में यहाँ हमारे सामने होता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक का यूज करेंगे तो क्या होगा कि सब कुछ पेस्ट होगा बट ब्लैंक जो है पेस्ट वही नंबर रहेगा, ब्लैंक स्किप हो जाएगा। ओके। ठीक है। यस यस यस। उसके बाद इसमें अगला जो आता है वो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होता है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। बट इसमें एक आता है आपको पेस्ट एज ए लिंक। अब लिंक जैसे कि आपका डेटा यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि दूसरे वाले सेल में लिंक हो जाए यहाँ भी। तो जनरली लिंक करने के लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक लगाते। हाइपरलिंक नहीं सर, लिंक मतलब कि इक्वल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। इक्वल प्रेस किया, सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, लिंक हो जाता। हाँ। और फिर इसको अपने हिसाब से जो है ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, जैसे यहाँ पे 2 to 20 कर दिया तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जो भी वैल्यू चेंज करेंगे इस तरह चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसा करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो हम बच्चों को सलाह देते हैं कि नहीं आप ऐसे मत करें, आप सिलेक्ट कर लें। क्या होता है कभी कभी कुछ छोड़ना होता है, जैसे मैंने लेना है, मुझे निदेव और नीरज को नहीं लेना है, मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक। ठीक है, ओके, राइट। पेस्ट सेम सीट, अनदर फाइल, सब पे कर सकते हैं।
उसके बाद आता है पेस्ट एज ए पिक्चर, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट एज ए, यहाँ पे पिक्चर आता है, पिक्चर में अब इसको अपने हिसाब से वो एडिटेबल नहीं रहेगा ना। नहीं, लेकिन चाहते हो कि मैं यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ भी चेंज हो जाए, तो उस केस में हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग भी चेंज करता हूँ ना, यहाँ चेंज हो जाए। ओके, फिर नंबर चेंज करूँ तो नंबर भी चेंज हो जाए। उसके लिए कौन हमने पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक। ओके, अब इसमें क्या होता है कभी कभी, अगर मान लीजिए कि यहाँ यहाँ एक नंबर बढ़ गया मोहन, यहाँ पे हो गया, अब वापस पेस्ट से लिंक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए फॉर्मूला से लिंक है ना, B12, हाँ B13, अब इसको 12 को 13 कर दीजिए, एंटर मारिए आगे। ओके ठीक है, इसका यूज और भी जगहों पे होता है, VLOOKUP जानते हैं सर आप? हाँ जानता हूँ सर। तो उसी में हमारे पास एक होता है पिक्चर लुकअप। ओके, तो उसका यूज भी हम इसी के करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम डायरेक्ट किसी को नहीं बढ़ाते, उसके पहले हम एक वीडियो देते हैं। मुझे रेंज का दिक्कत आती है पिवोट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि